हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक और प्रोग्राम एग्जांपल बनाते हैं, जिसमें कंट्रोल स्ट्रक्चर में जैसे हमने देखा था पिछले वीडियो लेक्चर में इफ एल्स स्टेटमेंट और इन सब का यूज़ हुआ था। तो आज हम एक प्रोग्राम बनाते हैं मैचिंग ब्लड ग्रुप का, ठीक है। अब इसमें देखिए क्वेश्चन क्या है कि आपको एक प्रोग्राम बनाना है, राइट ए प्रोग्राम इन पाइथन, ठीक है। वॉट वी हैव टू डू that we will the user enters two blood groups and we want to write a program to find out if the two blood group match groups match, ठीक है। तो question हमारे पास ये है कि हमें क्या करना है, हमें एक program बनाना है, write a program to find out if the two blood groups match, ठीक है। हमें इसका प्रोग्राम बनाना है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, देखिए वैसे तो अगर इन रियलिटी आप बात करें तो कई मैचिंग पॉसिबल है, जैसे ए प्लस कैन डोनेट ब्लड टू ए बी प्लस एंड ऑल दैट। लेकिन हम अपने इस प्रोग्राम में, चूंकि हमें प्रोग्रामिंग से मतलब है, तो वी विल से दैट ए ब्लड ग्रुप मैचेस ओनली विद इट्सेल्फ, यानी ए जो है ए से मैच करेगा, ए प्लस से मैच करेगा, ए बी प्लस से मैच करेगा। इसमें हमें कोई केमिकल वो इसमें केमिस्ट्री नहीं लगानी है कि एक्चुअल में ये होता है, हमें प्रोग्रामिंग से मतलब है। तो इसमें यह है कि हम दो ब्लड ग्रुप एंटर करेंगे और ये चेक करेंगे कि दोनों मैच कर रहे हैं कि नहीं, ठीक। अब इसमें क्या होगा कि सिंपली इसको हम कैसे शुरू करेंगे कि हम ये करेंगे एंटर द टू ब्लड ग्रुप्स। अब मान लीजिए ब्लड ग्रुप्स एंटर हुआ है ए प्लस और ए प्लस, तो जब ए प्लस और ए प्लस आपने एंटर किया तो आउटपुट हमें क्या चाहिए, द टू ब्लड ग्रुप्स मैच, ठीक। और मान लीजिए हमने कहा एंटर द टू ब्लड ग्रुप्स और हमने एंटर किया ए प्लस और बी माइनस, तो हम ये मैसेज आ जाए हमारे पास कि दिस इज ए मिसमैच, ठीक। ये हमको प्रोग्राम बनाना है। तो अब देखिए प्रोग्राम जैसे हम शुरू करेंगे तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हमें दो ब्लड ग्रुप एंटर कराने हैं, ठीक है। तो अब मान लीजिए हमने से लाइन नंबर वन में सबसे पहले हमने दो वेरिएबल लिए, एक हमने लिखा ब्लड ग्रुप वन बी जी वन, दूसरा हमने लिखा बी जी टू इज इक्वल टू, हमने यहाँ पे लिखा इनपुट, ठीक है, एंटर द टू ब्लड ग्रुप्स। अब इनपुट के बाद हमने यहाँ लिख दिया एंटर द टू ब्लड ग्रुप्स, ठीक है। और ये लिखने के बाद ये हमने कॉलम लगा दिया, इसको कोट्स क्लोज किया यहाँ पे, ठीक। और कोट्स क्लोज करने के बाद हमने यहाँ लिखा डॉट, यहाँ लिखा स्प्लिट और इस तरह, ठीक। अब सेकेंड लाइन में हम क्या करेंगे, सेकेंड लाइन में हम लिखते हैं इफ ब्लड ग्रुप वन इज इक्वल टू ब्लड ग्रुप टू। तो यहाँ पे हमने लिखा इफ बी जी वन इज इक्वल टू बी जी टू, तो क्या करना है, तो हमें करना है प्रिंट। तो हमने यहाँ लिख दिया प्रिंट द टू ब्लड ग्रुप्स मैच, यहाँ हमने लिखा द टू ब्लड ग्रुप्स मैच, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हमने यहाँ पे सपोज कीजिए तीसरी नंबर लाइन हो गई, चौथी लाइन में हमने लिखा एल्स, ठीक। और फिर हमने यहाँ लिखा प्रिंट दिस इज ए मिसमैच, तो हमने लिख दिया This is a mismatch, ठीक है। ये हो गया लाइन नंबर फाइव।
इस तरह से ये प्रोग्राम बन जाएगा। अब इसमें देखिए क्या होगा, जब इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट कराएंगे, सपोज कीजिए हमने इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराया, तो जो आउटपुट हमें मिलेगा, सबसे पहले हमें क्या लिखा हुआ आएगा, हमें लिखा हुआ आएगा एंटर द टू ब्लड ग्रुप्स। ये जो रेड कलर में लिख रहा हूँ, ये आउटपुट प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराने पर आएगा। तो हमने कहा एंटर द टू ब्लड ग्रुप्स, ठीक। अब मान लीजिए हमने यहाँ एंटर किया ए प्लस और ए प्लस, ये एंटर किया हमने, ठीक। ये जो जो चीज हम एंटर कर रहे हैं उसको मान लीजिए हम अंडरलाइन से दिखा दे रहे हैं, ये हमने एंटर किया। तो क्या होगा, हमारे पास ये देखेगा बी जी वन इक्वल टू बी जी टू, तो ये आ जाएगा द टू ब्लड ग्रुप्स मैच। तो हमारे पास जो मैसेज आ जाएगा वो ये आ जाएगा द टू ब्लड ग्रुप मैच, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये आउटपुट मिलेगा अगर हम ए प्लस और ए प्लस देंगे। मान लीजिए दोबारा, ये तो हो गया एग्जाम्पल वन, मान लीजिए हमने दोबारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराया, फिर ये आया एंटर द टू ब्लड ग्रुप्स, दो ब्लड ग्रुप्स एंटर कीजिए। अब सपोज कीजिए हमने एंटर किया ए प्लस और बी माइनस, ये एंटर किया हमने, तो क्या होगा, हमारे पास ये मैसेज आ जाएगा दिस इज ए मिसमैच। तो आ जाएगा दिस इज ए मिसमैच, ठीक। तो इस तरह से ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। अब इसमें कुछ चीजें जो आपको ध्यान रखने वाली हैं वो आप ध्यान दीजिए, कि वी यूज द स्प्लिट फंक्शन टू रीड टू ब्लड ग्रुप्स सेपरेटेड बाई स्पेसेस एंड असाइन दोज टू टू वेरिएबल्स इन द सेम असाइनमेंट स्टेटमेंट। यानी ये आप लाइन नंबर वन देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया है, बी जी वन और बी जी टू दो वेरिएबल लिया है, यहाँ पे हमने मैसेज दिया और यहाँ पे हमने इनपुट कराया है। तो इनपुट कराने का मतलब ये हुआ कि जो भी हम इनपुट करेंगे और फिर स्पेस दे के इनपुट करेंगे, तो जैसे हमने ये ए प्लस दिया फिर स्पेस दे के ए प्लस दिया, तो एक वैल्यू बी जी वन में चली जाएगी, दूसरी वैल्यू बी जी टू में चली जाएगी, ठीक है। तो यही यूज होता है इस स्प्लिट फंक्शन का। तो यानी कि व्हेन वी यूज द स्प्लिट फंक्शन टू रीड टू ब्लड ग्रुप्स सेपरेटेड बाय स्पेसेस एंड असाइन दोज टू टू वेरिएबल्स इन द सेम असाइनमेंट स्टेटमेंट, ठीक। ये होता है लाइन वन में। वी देन चेक इफ द टू ब्लड ग्रुप्स एंटर आर द सेम, दिस इज डन बाई इक्वल टू ऑपरेटर। ये जो ऑपरेटर है इससे हम चेक करते हैं कि दोनों इक्वल है या नहीं, फॉर चेकिंग इक्वलिटी इफ द टू ब्लड ग्रुप्स आर द सेम एज द कंडीशन इवेलुएट्स टू ट्रू। तो अगर ये ट्रू हुआ तो क्या होगा कि एग्जीक्यूशन ऑफ थर्ड लाइन, ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, और अगर फॉल्स हुआ तो ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। तो इस तरह से आप पाइथन प्रोग्राम बना सकते हैं दो वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए, ठीक है। और केवल ये तो हमने आपको इक्वलिटी ऑपरेटर यहाँ पे ये जो दिखाया आपको, दिस इज केवल इक्वलिटी ऑपरेटर है। अपार्ट फ्रॉम दिस इक्वलिटी पाइथन में और भी कई ऑपरेटर दिए हुए हैं जो दो वैल्यूज को कंपेयर करने में यूज होते हैं। जैसे कौन कौन से यूज होते हैं वो भी हम आपको यहाँ पे लिख दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिखा ऑपरेटर, यहाँ हमने लिखा मीनिंग, और यहाँ पे हम लिखते हैं यूजेस कि उसको कैसे हम यूज करेंगे, ठीक। अब जैसे ऑपरेटर हो गया हमारा पहला, मान लीजिए ये लेस देन साइन, तो ये क्या हुआ, इसकी मीनिंग हुई लेस देन, यानी हम कैसे यूज करेंगे, हमने कहा इफ ए इज लेस देन बी, इस तरह। तो इसके बाद हमने यहाँ लिख दिया प्रिंट ए इज स्मॉलर, तो यहाँ हमने लिख दिया ए इज स्मॉलर, ठीक। फिर हमने कहा ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन का साइन हो गया ये, यहाँ हमने लिखा ग्रेटर देन। अब यहाँ पे कैसे लिखेंगे, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ये फिर लिखेंगे प्रिंट, फिर हमने लिखा ए इज लार्जर, ठीक। ये हो गया। फिर ऐसे ही होता है आपका लेस देन इक्वल टू, तो ये हो गया।
लेस देन और इक्वल टू। तो अब हमने यहां पे चेक किया, इफ ए इज लेस देन इक्वल टू बी, तो प्रिंट कर दिया हमने ए इज लेस देन और इक्वल टू बी। तो हमने यहां प्रिंट कर दिया, प्रिंट ए इज लेस देन और इक्वल टू बी। ठीक, फिर ऐसे हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ये हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ये हो गया ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो फिर हम यहां यूज करेंगे, तो इफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, तो हम यहां प्रिंट कर देंगे, प्रिंट ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। ठीक, और लास्ट हो गया आपका जो हम लोग यूज कर चुके हैं अपने प्रोग्राम में, इक्वल टू साइन, ये दिस इज इक्वल टू। मतलब इफ ए इज इक्वल टू बी तो हम प्रिंट कर देंगे, प्रिंट ए एंड बी आर इक्वल। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंट कंपैरिजन ऑपरेटर अलग अलग ऑलरेडी प्रोवाइडेड है आपका इसमें पाइथन लैंग्वेज के अंदर। तो इन ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करके आप दो वैल्यूज को कंपेयर कर सकते हैं, एंड डिपेंडिंग अपॉन द रिजल्ट जो भी आपको अप्रोप्रिएट एक्शन लेना है वो आप ले सकते हैं। ठीक, अब देखिए ये इस टेबल में देख, हमने लिखा है इफ ए इज लेस देन बी, इफ ए इज ग्रेटर देन, इसमें हमने एल्स नहीं इस्तेमाल किया है। इसका मतलब इससे क्या बात पता चलती है, इससे ये एक चीज क्लियर होता है कि जो एल्स क्लॉज है, जो एल्स का यूज है वो ऑप्शनल है, अगर उसकी जरूरत हो तो हम करें और नहीं जरूरत हो तो ना करें। तो आई होप कि ये प्रोग्राम आपको क्लियर हो गया होगा, ये जो कंपैरिजन ऑपरेटर है इसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट्स या कंफ्यूजन है तो कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए, और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।